आज के इस वीडियो में हम इस बोर्ड की वायरिंग करेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे ये 3 सॉकेट हैं और एक होल्डर हैं, और यहाँ पे ये 4 बटन लगे हुए हैं, यानी कि 4 स्विच लगे हुए हैं। तो आज हम इसकी कंप्लीट वायरिंग करेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पे मैंने ये होल्डर लगा लिया था पहले, तो इसमें मैंने यहाँ पे 2 वायर कनेक्ट कर दिए। ये जो हमारा ब्लैक वाला वायर है, ये हमारा फेज का रहेगा, ए सॉरी दोस्तों, ये वाला न्यूट्रल का रहेगा, और ये रेड वाला जो कि फेज वायर रहेगा। तो देखे दोस्तों, यहाँ पे हमारे ये 4 बटन लगे हुए हैं, 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले वायरिंग करने के लिए हमें जितने भी, यदि आप जिस बोर्ड में वायरिंग करना चाहते हो उसमें ज़्यादा है या कम है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो भी बटन लगा हुआ है या सॉकेट लगा हुआ है, उसके जो ये नीचे वाला पॉइंट है, इस पर हमें एक ऐसा वायर लेना है जम्पर, जिसका PVC अटा देना है, और इसमें सभी बटनों के नीचे उसे लगा लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इसे लगा लेता हूँ। जो हमारा फेज वाला वायर है, जो इलेक्ट्रिसिटी से आता है मेन लाइन का, वो हमारा ओनली जितने भी बटन लगे हुए हैं उनके सबके नीचे ये फेज वाला वायर जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसको लगा लिया है और मैं इसे प्रॉपरली टाइट कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इस वायर को प्रॉपर तरीके से लगा लिया है, और जो बचा हुआ इस साइड से हमें कटर की सहायता से कट कर देना है। अब देखिए दोस्तों, हम पहले इसमें जो कि यहाँ पे हमारे पास ये 3 सॉकेट और एक बल्ब है, तो हमें बल्ब को इस बटन से बंद करना है। जिस बटन से बंद करना है उसका एक फेज वाला वायर है, वो बटन के ऊपर कनेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इस वाले स्विच पे कनेक्ट कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें इसे बंद करने के लिए हमें एक वायर की जरूरत पड़ेगी, तो इस पे भी मैं वायर कनेक्ट कर देता हूँ 1 सॉकेट पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से वायर को मैं इस बटन पे जोड़ना है, हमें इस वाले बटन से इसको बंद करना है। तो यहाँ से कट करके मैं इस बटन के ऊपरी हिस्से पे लगा देता हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइबर कर लीजिए, मैं इसी प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पे लाता रहता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा इसका काम हो गया, इस वाले सॉकेट का। अब इस वाले का आता है, तो देखिए दोस्तों, इसके लिए भी अपन को ऐसा ही करना है। एक वायर लेना है और उसे यहाँ पे आप कोई सभी पॉइंट में टच वायर को कनेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं रहता। अभी इस वाले बटन से इसको ऑन ऑफ करना है, तो यहाँ पे मैं इस वाले बटन पे इसे लगा लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास बचा है ओनली यही 1 सॉकेट, तो इस सॉकेट में भी इसी प्रकार से एक पॉइंट पे हमें इस रेड वाले वायर को लगा लेना है और एक को बटन के ऊपर लगा लेना है। तो मैं जल्द से लगा लेता हूँ।
वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें, इसके बाद में आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो फेज वाला वायर था, फेज वाली वायरिंग थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें न्यूट्रल वायर को, जो उपकरण है उसे चलाना रहता है, उस उपकरण को न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है। जैसे कि सॉकेट में ये वाला पॉइंट अभी फ्री है, ये वाला फ्री है, ये वाला फ्री है, और जो हमारा ये बल्ब का है उसका भी एक वायर फ्री है। तो सबसे पहले हमें इन सभी में इस वायर को कनेक्ट करना है, जो न्यूट्रल वाला वायर होगा उसको कनेक्ट कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बल्ब को और इस तार को एक करके और यहाँ पे इसमें सॉकेट में लगा लेना है, या फिर इस वाले में लगा लेना है, कोई से में भी लगा लेना है, सब में, क्योंकि न्यूट्रल देना है अपन को। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे, और यहां से ये न्यूट्रल इस वाले सॉकेट में से होते हुए यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसे प्रॉपर तरीके से टाइट कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास ये दोनों सॉकेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों की वायरिंग हो चुकी है, और अब हमारा ये लास्ट सॉकेट बचा हुआ है, होल्डर की वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस पे हमें एक तार जोड़ देना है, और यहाँ पे इस वाले वायर में एक और एक्स्ट्रा वायर लेना है, और यहाँ पे मैं इसे लगा लेता हूं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो एक वायर था, जो फेज वाला वायर है, हम उसको यहां पे बटन के नीचे कनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमने ये फेज लिया था, ये फेज सभी बटनों के नीचे कनेक्ट कर दिया है, और ये हमारा यहाँ पे इस बटन के नीचे वाले पॉइंट पे हमारा जो एक रेड वायर निकाला है हमने, जो हमारा फेज वाला वायर है, अब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी का एक फेज वाला, जिसपे हमारा टेस्टर ग्लो करता है, उस वाले वायर को हमें इस पे जोड़ देना है, और जो दूसरा वायर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो इस वाले वायर पे जोड़ देना है, जो कि एक होल्डर पे लगा है। होल्डर से होते हुए यहाँ पे सॉकेट पे एक पॉइंट पे, फिर दूसरे सॉकेट पे यहाँ पे एक पॉइंट पे, फिर तीसरे सॉकेट पे एक पॉइंट पे, और ये हमारा न्यूट्रल वायर है। तो ये दोनों न्यूट्रल और फेज वायर हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा बोर्ड प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगेगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।